तो मेरे दोस्तों, तो पाइथन में एक और नया डेटा टाइप इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको बोलते हैं सेट्स। तो चलो सेट्स की ऐसी क्या खास बातें हैं इस वीडियो में जानते हैं। तो लिस्ट को अपन बनाते थे इस स्क्वायर ब्रैकेट से, अपन ट्यूपल को बनाते थे राउंड ब्रैकेट से, सेट को कौन से ब्रैकेट से बनाए? रिमेम्बर तुम लोग क्लास 10th में जब सेट्स पढ़ा था तुम लोगों ने, सेट थ्योरी, तुम लोग कौन से ब्रैकेट चूज करते थे? एस टाइप के, ठीक है। तो इसमें भी इसी टाइप के ब्रैकेट यूज होते हैं। तो मेरे को कोई सेट बनाना है, सपोज करो माय सेट वेरिएबल का नाम देता हूं, तो इसके अंदर मैं वैल्यूज रखूंगा। अब अगेन वैल्यूज डजंट मैटर कि वो इंटीजर वैल्यूज हो, स्ट्रिंग हो, ये भी कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ही है। तो इसमें 1 2 3 और इसके जगह मैं लिख सकता हूँ स्ट्रिंग डाल सकता हूँ अगेन, और मैं इसमें बुलियन वैल्यू भी डाल सकता हूँ, ठीक है। अगेन टी कैपिटल लिखना पड़ता है, ठीक है, या एफ कैपिटल लिखना पड़ता है फॉल्स के लिए टी। ओके सेट्स को डिनोट करने के लिए अपन इस टाइप के ब्रैकेट यूज करेंगे, ब्रेसेस बोलते हैं क्या इसको, जो भी बोलते हैं तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। स्पेस दे देता हूं अगर तुम लोग को दिख नहीं रहा ठीक से, तो लाइक सो, ठीक है। अब अगर मैं कंसोल में यहाँ पे जाऊं और प्रिंट करूं सेट, ओ सॉरी माय सेट और टाइप, अगर प्रिंट करूं, ठीक है, टाइप माय सेट का, और देखें, देखो अब देखो सेट की क्या खास बात है कि सेट में एक तो चीज है कि डुप्लीकेट स्टोर नहीं होते हैं। तुम लोग को दिख सकता है कि यहाँ पे ट्रू नहीं आया है, ट्रू क्योंकि ट्रू इक्विवेलेंट है 1 के, इसलिए नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिखूंगा तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है, FALSE, ठीक है, फॉल्स। सेव करता हूं तो देखो अब आ रहा है फॉल्स, अब आ रहा है फॉल्स, बट सेट्स में डुप्लीकेट स्टोर नहीं होते। अगर मैं इसमें 0 डाल दूं तो फॉल्स हट जाएगा क्योंकि फॉल्स इज इक्विवेलेंट टू 0, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 0 डाल दूं तो फॉल्स हट जाएगा, देख रहे हो, ठीक है। इसको कंफ्यूजन के लिए मैं अभी के लिए फॉल्स हटा देता हूँ, ठीक है, फॉल्स की ओर हटा देता हूँ। एक चीज जो नोटिस करने वाली है कि पहला तो है कि डुप्लीकेसेस नहीं होती है सेट्स में। डुप्लीकेस अगर मैं सपोज करो यहाँ पे 2 फिर से एंटर करता हूँ, 3 एंटर करता हूँ, 4 एंटर करता हूँ अगेन, ठीक है, तो ये डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर ही नहीं होगी, ठीक है ना। 1 2 3 सेट के बाद 4 स्टोर हुआ है। दूसरी खास बात यह है कि सेट में जो अपन जिस ऑर्डर में वैल्यूज डाल रहे हैं उस ऑर्डर में ही वो स्टोर होंगी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। उस ऑर्डर में ही वो वैल्यूज दिखेंगी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अच्छा अभी इस ऑर्डर में दिख रही है, सपोज करो इसके अंदर मैं कुछ और वैल्यूज डालता हूँ, 21 कॉमा, अगेन मैं कुछ भी अपने कीबोर्ड में डाल रहा हूँ, देख नहीं रहा हूँ मैं कीबोर्ड में अपने, कुछ बड़ी वैल्यूज डालता हूँ, कुछ छोटी वैल्यूज डाल रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी वैल्यूज डाल दी मैंने इसमें। सेव करता हूँ, उसको रन करूँ तो ये देखो अभी 1 आया है। देखो ऐसा नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी रैंडम ऑर्डर में स्टोर दिखती है हम लोग को वैल्यूज। अगेन जिस ऑर्डर में मैंने इनपुट की है उसी ऑर्डर में ये वैल्यूज नहीं दिख रही है। अभी देखो 1 दिख रहा है 1 को, जबकि मैंने इस थर्ड थर्ड टाइम में इनपुट किया था, ठीक है। ओके अभी 64 दिख रहा है, 64 को मैंने जबकि यहाँ इनपुट किया था तो फर्स्ट यहाँ सेकंड पोजिशन पे आ गया है, ठीक है। हाँ तो जिस ऑर्डर में अपन वैल्यूज एंटर कर रहे हैं उस ऑर्डर में अपने को नहीं मिल रही है, ठीक है, बट लिस्ट में ऐसा नहीं होता था। जिस ऑर्डर में अपन डालते थे उसी ऑर्डर में मिलते थे, ठीक है, और ट्यूपल में भी वैसे ही होता था, ठीक है, यस, बट इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। एक तो है कि डुप्लीकेसेस नहीं होते, दूसरा है कि ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मेरे को 0 एलिमेंट एक्सेस करना है, क्या मैं कर सकता हूँ? कैसे? मैं बोलूंगा भाई तू बेवकूफ है क्या, जब ये इस ऑर्डर में ही नहीं स्टोर कर रहा है तो तू एक्सेस करके क्या करेगा, जब ऑर्डर में ही उसे स्टोर नहीं करना है, तो दिस डजंट मेक सेंस, तो अपने को एरर थ्रो करना चाहिए, राइट। देखें तो यस डेफिनेटली करेगा, राइट, क्योंकि जिस ऑर्डर में अपन स्टोर कर रहे हैं उस ऑर्डर में जब दिखाई नहीं रहा है वैल्यूज, तो मैं 0 बोलूंगा तो 1 दिखा देगा अगर करता, तो इसलिए ये दिस इज नॉट सपोर्टेड। बट ट्यूपल में सपोर्टेड था हमारा और लिस्ट में भी सपोर्टेड था, बट इसमें सपोर्टेड नहीं है। इस तरीके से अपन गेट नहीं कर सकते वैल्यूज ये ब्रैकेट्स यूज करके, ठीक है। ओके सो सेट बनाने का एक और अल्टरनेटिव तरीका भी है। सपोज करो मैं सेट 2 बनाता हूँ, और ऐसे भी लिख सकते हैं अपन सेट, ऐसे यूज कर सकते हैं फंक्शन, और इसके अंदर मैं पास करूंगा ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके अंदर मैं लिखूंगा 1 2 जो कुछ भी वैल्यूज अगर मेरे को सेट के अंदर डालनी है, ठीक है। अगेन दिस इज ऑल्सो वैलिड, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट ब्रैकेट्स यूज करते हैं या तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ये दो टाइप के सिंटैक्स। अगर मैं फिर से यहाँ पे माई सेट टू प्रिंट करूँ, माई सेट टू सेव करूँ, रन करूँ, तो देखो अगेन अपने को वही वैल्यूज मिल रही है, राइट। ओके सो सेट बनाने के दो तरीके, या तो ऐसे ब्रैकेट यूज करते हो या तो सेट कीवर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है, अगेन, ठीक है, या इस तरीके से बना सकते हो। चलो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसके यहाँ पे लिख देता हूँ माय सेट, और यहाँ पे कुछ डॉट लगा दो, तो हमारे पास जैसे कुछ मेथड्स हैं, राइट,
ऐड कर सकते हैं अपन एंड में या कहीं पे भी, अगेन ऐड होगा इसमें वैल्यूज, डजंट मैटर वो ऐड बीच में होगा, फ्रंट में होगा कि एंड में ऐड होगा, ठीक है, पर ऐड हो जो होगा ठीक है जरूर, तो अपन ऐड कर सकते हैं। सपोज करो टू, ठीक है, अगेन और यहाँ पे मैं माय सेट प्रिंट करता हूँ, ठीक है, अगेन तो देखो टू ऐड हो गया है। अगर ऐसा नहीं है कि लास्ट में ऐड होगा, कहीं पे भी जहां उसकी मर्जी वहां आ जाएगा, ठीक है टू, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ऐड कर पा रहे हैं, मतलब सेट आर म्यूटेबल, ठीक है, सेट आर म्यूटेबल, क्योंकि इसको मैंने किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर नहीं करा है, इसमें मैंने मेथड कॉल किया और फिर माय सेट प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो सेट मॉडिफाई हो जा रहे हैं, ठीक है, तो सेट्स आर म्यूटेबल, अनलाइक अनलाइक ट्यूपल, ट्यूपल जो थे इम्यूटेबल थे, बट सेट्स ये जो है म्यूटेबल है, हमारे लिस्ट भी म्यूटेबल थी, हमारी स्ट्रिंग जो थी वो इम्यूटेबल थी, ठीक है, ओके हाँ। अच्छा अगर मेरे को रिमूव करना है तो, अच्छा अगर ऐड कर रहा हूं मैं टू, ठीक है, अगर सपोज करो मैं वन ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, वन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो वन ऐड होता है, चलो देखते हैं, नहीं ऐड हुआ, वन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इसलिए वन ऐड नहीं हुआ, ठीक है, अगेन चलो रिमूव करके देखते हैं वैल्यूज, रिमूव करनी है मेरे को वैल्यू एंड अगेन, और सपोज करो 21 रिमूव करनी है, ठीक है, ये देखो फ्रंट में 21 रखा हुआ है, सेव करता हूँ मैं उसको, रन करूँ तो देखो 21 रिमूव हो गई, ठीक है। सपोज करो कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है, तो उसको मेरे को रिमूव करना है, तो सपोज करो कौन सी एग्जिस्ट, जैसे 33 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, रिमूव करता हूँ तो एरर थ्रो करेगा, ठीक है, क्योंकि 33 एग्जिस्ट नहीं करता। बट अगर अपन चाहते हैं कि पीसफुली रिमूव हो जाए, कुछ एरर थ्रो ना करेगा, सपोज करो कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं भी करती है और मेरे को उसको रिमूव करना है तो वो एरर थ्रो नहीं करे, तो उसके जगह अपन यूज कर सकते हैं डिस्कार्ड, DIS डिस्कार्ड। तो डिस्कार्ड क्या करेगा, अगर 33 एग्जिस्ट नहीं भी करेगा ना, तो सिंपली वो रिटर्न कर देगा, एरर थ्रो नहीं करेगा, देखो एरर थ्रो नहीं किया, 33 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो भी इसने एरर थ्रो नहीं किया, सिंपली रिटर्न कर दिया। अगर कोई एग्जिस्ट वैल्यू करेगी तो ऑब्वियसली उसको डिलीट करेगा ये, ठीक है, वन, जैसे वन को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है, वन एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियसली वन को डिलीट करेगा, बट अगर कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं भी करती तो एरर थ्रो नहीं करेगा, वो पीसफुली रिटर्न कर देगा, ओके या इसी तरह हम लोग और भी बहुत सारी चीजें हैं, सपोज करो मैं यहाँ पे डॉट डॉट लगा के देखता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास पॉप भी है, ठीक है, POP, तो यहाँ पे लिख दिखा रहा है कि रिमूव एंड रिटर्न एन एरिबिटी सेट एलिमेंट, किसी को भी रिमूव कर देगा अपनी इच्छा से जब इसका मन किया, ठीक है। क्या रिमूव हुआ, देखो 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 क्या रिमूव हुआ, मेरे ख्याल से वन रिमूव कर दिया इसने, है ना, अगेन फिर से एक बार रन करके देखें तो बार बार ये वन ही रिमूव कर रहा है। तो अगर अपन जानना चाहें कि क्या रिमूव कर रहा है, तो अपन क्या करते हैं, कंट्रोल एक्स करता हूँ मैं इसमें, इसको प्रिंट के अंदर प्रिंट करता हूँ क्या ये रिमूव कर रहा है, तो वो अपने को रिटर्न करता है जो ये रिमूव करता है, सेव करता हूँ, ठीक है, तो वन रिमूव किया, चलो इसको आज शिफ्ट डाउन की करता हूँ मैं, तीन बार करता हूँ, ठीक है, फिर देखते हैं क्या क्या रिमूव करता है। पहली बार इसने वन रिमूव किया अपनी इच्छा से, ठीक है, बीच से उठा के वन रिमूव कर दिया, फिर दूसरी बार इसकी इच्छा हुई तो इसने 67 रिमूव कर दिया, फिर दूसरी बार इच्छा हुई तो यहाँ से उठा लिया इसने, इसको रिमूव कर दिया, तो अगेन कोई भी रैंडम एलिमेंट अपनी मर्जी से उठा के रिमूव कर देता है, तो इतना इतना फालतू चीज मैंने कभी नहीं देखी, ठीक है, ऐसा नहीं चाहते अपन कोई भी एलिमेंट रिमूव हो जाए अपनी मर्जी से, राइट, तो यूजलेस है, मेरे को तो यूजलेस लग रहा है पॉप। चलो कुछ और चीजें देखते हैं, तो सपोज करो माय सेट और इसके अंदर मैं वैल्यूज डालता हूँ, ठीक है, कुछ अगेन इसको हटा दो, कुछ वैल्यूज डालता हूँ, ठीक है, सपोज करो 1, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और इसके अंदर कुछ वैल्यूज डालता हूँ, अगेन दोनों तरीके हैं सेट बनाने के, ठीक है, 5, 6, ठीक है, 7। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ वैल्यूज इसमें भी सेम हो और इसमें भी सेम हो, तो उस केस में मैं डाल देता हूँ 2, ठीक है, दोनों में 2 है, ठीक है, 3 दोनों में, और इस सेट में भी मैं चाहता हूँ कि कुछ वैल्यूज दोनों में कॉमन हो, हाँ, तो यहाँ 2 और 3, ठीक है, चलो ठीक है ऐसे। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ और अपन प्रिंट करेंगे माई सेट डॉट यूनियन, यूनियन करके भी है हमारे पास कुछ, और इसका मैं यूनियन कर रहा हूँ माई सेट का किसके साथ, माई सेट 2 के साथ, ठीक है, तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा यूनियन मतलब क्या होता है क्लास 10th में, यूनियन मतलब जो भी इन दोनों के अंदर एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएं, ठीक है, अगेन 1, 2, 3, 4 तो था ही, ठीक है, सेट में, फिर उसके बाद इसमें जो एक्स्ट्रा थे, एक्स्ट्रा एलिमेंट थे, ये जो 5, 6, 7 ये वो भी आ गए, है ना, 2 और 3 नहीं आए क्योंकि ऑब्वियसली सेट में डुप्लीकेट्स नहीं होते हैं, ठीक है, डुप्लीकेट्स नहीं होते हैं सेट में, राइट, अगेन हाँ, तो अगेन अभी देख रहा है कि एक ऑर्डर में मस्त असेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ है, अगेन इट इज नॉट कंपलसरी कि असेंडिंग ऑर्डर में सजेगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सजेगा, अपनी इच्छा के हिसाब से किसी भी ऑर्डर में सज जाएगा, ठीक है, जिस ऑर्डर में अपन डाल रहे हैं जरूरी नहीं है उसी ऑर्डर में आए, कभी कभी हो भी सकता है उसी ऑर्डर में आ जाए, राइट, ओके ऑसम, इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं यूनियन की जगह इंटरसेक्ट डॉट इंटरसेक्ट इंटरसेक्शन, ठीक है, सेव करता हूँ इसको, तो अगेन अब इंटरसेक्शन से क्या होगा, जो वैल्यूज दोनों में कॉमन है
सिर्फ वही आएंगी, जैसे कि टू और थ्री दोनों में कॉमन है तो टू और थ्री आ रही है। तो ये कुछ बातें थी सेट्स के बारे में। अच्छा, अब अगर अगर मेरे को कोई सेट पूरा क्लियर आउट करना होगा तो मैं यहाँ पे क्लियर भी एक्स ऐसे इन्वोक कर सकता हूँ, ठीक है मेथड, तो इसे पूरा सेट क्लियर हो जाएगा। अगेन अगर मैं माय सेट को प्रिंट करूँ यहाँ पे, इसको रन करूँ, तो ये देखो पूरा सेट क्लियर आउट हो जा रहा है, ठीक है। पूरा अपने को यहाँ पे माय सेट और ये सेट दिख रहा है और पूरा एम्प्टी हो चुका है, ठीक है। तो इस टाइप क्लियर आउट करने से इस टाइप से आउटपुट आता है, ठीक है, हमारे पास पूरा सेट खाली हो चुका है, राइट। सो दैट्स इट, और अगर फर्दर बातें करेंगे, मजेदार चीजें पढ़ेंगे पाइथन में नेक्स्ट वीडियो में।